बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम वालेकुम। आज हम लोग दोस्तों बनाएंगे चिकन करी, ठीक है। तो अरबी स्टाइल में बनाएंगे इंशाल्लाह। इंडियन यानी कि सिस्टम रहेगा, लेकिन स्पाइसी वगैरह रहेगा नहीं, मसाला अरबी स्टाइल में बनाएंगे। तो ये हमारा चिकन मैरिनेशन करके मसाला मिला के रख दिए हैं। ये प्याज है और ये अभी इसमें ऑयल डालेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग पेस्ट ग्रेवी बना के थोड़ा रखे हैं, तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह दिखाएंगे। और अभी इसका काम हो रहा है। अभी ये देखो चिकन है और ये अभी प्याज वगैरह लहसुन है और इंशाल्लाह टमाटो भी ये चॉप कर रहे हैं, ला रहे हैं पेस्ट। तो अभी हम लोग टमाटो पेस्ट यूज करेंगे। चिकन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं और बिस्मिल्लाह। ये हम लोग अभी डाल दिए गरम मसाला यानी कि इलायची लौंग, और फिर इसमें ऑनियन भी डालेंगे। अभी ये अदरक लहसुन हो रहा है, अभी इसमें हम लोग प्याज भी ऐड कर देंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। और प्याज भुनेंगे, और अभी हम लोग प्याज डाल दिए हैं। प्याज होने के बाद में अदरक लहसुन पेस्ट ज़रा से डालेंगे, और मसाला तो हम लोग मुर्गी में मिला के रख दिए हैं सब। तो उसमें हम लोग का क्या मालूम है, टमाटो पेस्ट थोड़ा है और हल्दी, कश्मीरी चिल्ली पाउडर, जीरा, धनिया, अदरक लहसुन पेस्ट और थोड़ा ऑयल भी है। इसको मिला के रख दिए थे 2 घंटा पहले, तो ये सारा है। उसके हाथ में आराम से थोड़ा यानी कि डिजर्व किया चिकन, थोड़ा मैगनेट करके रखते हो अच्छा टेस्ट आएगा ये हिसाब से। अभी इसमें डालेंगे, मिला के कसेंगे। अभी हम लोग का प्याज होने वाला है, इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल के फिर ये चिकन हम लोग इसमें डाल देंगे। आप लोग ने देखा, अभी हम लोग इसमें चिकन डाल दिए हैं और इसको फिर हम लोग मिलाएंगे और इसको कसेंगे अच्छे से। और कसने के बाद में फिर इसमें पानी थोड़ा मिलाएंगे, ऐड करेंगे, फिर चिकन करी हमारा रेडी हो जाएगा। और भाई लोग, ये हल्दी पाउडर है, ये जीरा है, ये धनिया पाउडर है, ये चिकन मसाला है, ये इलायची पाउडर है, दालचीनी पाउडर है, ये कश्मीरी चिल्ली पाउडर है। अभी हम लोग उसमें मैरिनेट किया था, और अभी हम लोग इसको फिर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में फिर हम इसको मिक्स कर देंगे और अच्छे से कसेंगे। उसके बाद में पानी डाल के पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर जो हम ग्रेवी पेस्ट करके रखा है ऑनियन वगैरह, फिर उसको ऐड करके फिर उसका फाइनल करके निकालेंगे। अभी हम लोग इसमें पूरा गरम मसाला डाल दिया है, अभी इसको डाल के अच्छे से कसेंगे। और इंशाल्लाह इसके बाद में बाकी पानी डाल के उसको आधे घंटे तक पकाएंगे, फिर पेस्ट डालेंगे, फिर टमाटो डालेंगे पेस्ट, और फिर इसको फाइनल करके निकालेंगे। और अभी हमारा चिकन करी 15 मिनट पक चुका है। अभी हम इसमें ये पेस्ट है, ग्रेवी पेस्ट हम लोग बना के रखा था, इसको ऐड करेंगे अभी इसमें, और फिर इसको 15 मिनट के लिए पका के इसमें क्रीम डाल के फाइनली टेस्ट करके निकालेंगे। स्वाद हिसाब से नमक आप लोग डालना, मैं भी डाला हूँ, और ये बहुत टेस्टी होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह भी हम लोग ये पूरा ग्रेवी है इसमें डालते हैं, डाल दिए। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे, पूरा टोटल मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में हम लोग आपको ज़रूर दिखाएंगे। तकरीबन हमारा चिकन करी अभी रेडी होने पर आ गया है। अभी हम देखो चिकन करी पक भी रहा है और अभी रेडी होने पर आ गया ऑलरेडी, यानी कि बस हम इसमें थोड़ा क्रीम ऐड करेंगे और फिर इसको पका। अब हम इसमें थोड़ा से पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल हम लोग बनाया है चिकन करी, और ये हम लोग अभी क्रीम इसमें डाल दिए, और कभी मिक्स करने से इसका कलर पूरा एकदम चेंज हो जाएगा और चिकन करी रेस्टोरेंट स्टाइल। और दोस्तों, ये अभी चिकन करी हमारा रेडी हो गया, अब ये खाने के लायक का हो गया। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, और इंशाल्लाह अभी हम इसको सर्व करेंगे यानी कि दे देंगे उनको खाने के लिए। ओके।